ओम श्री विद्या नमः। 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार। बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। मेष से लेकर मीन तक सभी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और कौन सा दिव्य महाप्रयोग आज के दिन आपको लाभ प्रदान करा सकता है। मित्रों, आज का दिव्य प्रयोग वास्तविकता में बहुत दिव्य है, बहुत लाभकारी है, क्योंकि आज प्रदोष व्रत भी है और उसके उपरांत सोमवार का दिन भी है और श्रावण मास उसमें चल रहा है। ऐसे में तीन संयोगों पर यह दिव्य प्रयोग यदि आप आज के दिन कर लेते हैं, आपको कई वर्षों तक का लाभ इस उपाय के करने से आज प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले दैनिक पंचांग के बारे में, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कौन सा कार्य आज के दिन करना चाहिए और किस कार्य को छोड़ना चाहिए। उससे पूर्व मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य आप सभी से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आपका आज के कार्यक्रम में, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी माश्री विद्या त्रिपुरा सुंदर शक्तिपीठ SVTSS यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ में हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर दें। तो मित्रों, 31 जुलाई 2023 सोमवार के दिन बात करते हैं सूर्योदय से। प्रातःकाल 5:50 पर सूर्योदय होगा, सूर्यास्त शाम 7:15। तिथि आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। इस स्थिति में मुख्य रूप से व्यवसाय का आरंभ, नए वस्त्र पहनना, वचनों की पूर्ति करना और कामुक सुख के लिए ये जो तिथि है शुक्ल की त्रयोदशी, इसको अच्छा माना जाता है। हालांकि जिसमें महत्वपूर्ण व्यवसायों का कार्य में शुरुआत करना, यहाँ पर मुहूर्त की भी चिंता होती है, तो मुहूर्त जरूर निकलवाना चाहिए अपने नए कार्य को शुरू करने से पहले। नक्षत्र रहेगा आज पूर्वाषाढ़ा, जिसके स्वामी है शुक्र महाराज, और इस नक्षत्र में बताते हैं कि यह एक भयंकर और क्रूर स्वभाव का नक्षत्र है। यह बुराई, छल, संघर्ष, शत्रु का विनाश, आग लगाने, जहर देने, आगजनी, लड़ाई, विनाश, असत्य और क्रूरता के लिए उपयुक्त माना जाता है। यही हमारे ज्योतिष ग्रंथ की प्रधानता है। ऐसे सभी कार्य जो अच्छे हों या बुरे, उनके लिए एक समय निर्धारण करा गया है ज्योतिष के अंदर। इस प्रकार के हालांकि कार्य तो हर एक ही व्यक्ति को बचना चाहिए, इस तरह के कार्य तो करने ही नहीं चाहिए, परंतु जहाँ पर शत्रु हमें परेशान कर रहे हों, वहाँ पर शत्रु के किसी प्रयोग की यदि बात हो, अगर हम अपना केवल बचाव ही आज के दिन करें तो वह हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं काल की, राहु काल की। तो राहु काल आज मुख्य रूप से 7:31 से 9:11 तक प्रातःकाल तक रहेगा, और आज विश्वकुंभ नाम के योग हैं। इस योग में विश्वपात्र कट दूसरे पर प्रभाव रहता है, शत्रु पर विजय मिलती है, संपत्ति धन प्राप्ति का यहाँ पर योग बनता है आज के इस योग में। करण है तैतिल नाम का करण, विशेष रूप से राज कार्यों के लिए, सरकारी मामलों के लिए, यानी सरकार से जुड़े हुए किसी भी कार्य को आज के दिन आपको करना चाहिए, उसमें आपको विशेष लाभ हो सकता है। श्रावण मास पूर्णिमांत और अमांत दोनों ही श्रावण मास चल रहा है। बात करते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त की। तो आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से प्रारंभ होगा और 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें हम चिरकाल तक लाभ लेना हो, वह हमें अभिजीत मुहूर्त के अंदर करना चाहिए और राहु काल का उसमें त्याग करना चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल की। दिशाशूल आज पूर्व की तरफ रहेगी, यानी आज के दिन आपको पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना है, यदि आपको ज़्यादा आवश्यक हो पूर्व दिशा में यात्रा करना। तो कहते हैं कि जब सोमवार को दिशाशूल पड़ती है तो इसमें कुछ उपाय करके आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इसमें आप क्या करें, दर्पण में अपना चेहरा देख करके आप अपनी यात्रा को आरंभ करें, यानी अपने चेहरे को दर्पण में देखें, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। बात करते हैं कि दिव्य महाप्रयोग के बारे में, आज के महा उपाय के बारे में। मित्रों, सोमवार प्रदोष व्रत आज के दिन है, श्रावण मास है, ये बहुत अच्छा संयोग है आज के दिन। आज के दिन का जो उपाय है उसमें आपको 27 गुलाब के लाल फूल चंदन के इत्र के साथ में, यानी इत्र जो होना चाहिए वह चंदन का होना चाहिए, और शाम के समय आप पति, यदि आपके आप विवाहित हैं तो आप पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर के भोलेनाथ को नमः शिवाय, केवल ओम नहीं लगाना, नमः शिवाय मंत्र का 27 बार बोल करके आपको वे एक एक करके जो पुष्प है भगवान शिव को अर्पित करें। मान्यता अनुसार ये उपाय जो है आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रगाढ़ता लाएगा, जिन जातकों को विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग प्रबल करेगा, कार्य क्षेत्र में कुशलता प्रदान करेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बनाएगा। बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में। मेष राशि से शुरू करते हैं। आज मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा भाग्य घर में संचरण कर रहे हैं
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, मेष राशि वालों के लिए भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। शुक्र भी आपके दूसरे त्रिकोण भाव में विराजमान रहने वाले हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी योग के सूचक यहाँ बनते हैं। हालांकि शुक्र मंगल और बुध के साथ में शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे तो ऐसे में आपको मिलने वाले लाभ कुछ कम गति से मिल सकते हैं, परंतु लाभ वाले कार्य आज जरूर हो सकते हैं। वही हमने कोई कार्य करा, हमें बेनिफिट उसका आज नहीं मिला, परंतु हमें आश्वासन होगा कि हमने कार्य कर लिया, आज नहीं तो कल हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी प्रकार से आज के किए हुए जो कार्य हैं, आज के दिन आपको मिलना जुलना लोगों से अपने काम के सिलसिले में ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। चंद्रमा जो है आपके दशम भाव से बारहवें भाव में विद्यमान है, काम से जुड़ी हुई चिंताएँ आज के दिन जरूर दिखाई दे सकती हैं। और बात करें आज दाम्पत्य जीवन से तीसरे भाव में, आज के दिन आपका जो मानसिक एक होता है व्यक्ति का मानसिक जो रूप है, एक दृष्टिकोण है, वह आपके परिवार की तरफ दाम्पत्य जीवन की तरफ जरूर रहेगा, अब चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, इसके नक्षत्र पर शुक्र व चतुर्थ भाव में है, इसकी राशि पर बृहस्पति व बारहवें भाव में है। यहाँ हमें दो ग्रहों से सपोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ हमारे कुटुंब के लिए, व्यापार के लिए, हमारे घर में सुख के आनंद के लिए आज का दिन ठीक दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें करियर की, तो करियर के लिए एकादश भाव में चंद्रमा किसी करियर के लिए भी अच्छी दिखाई देती है, परंतु क्या है, धन खर्च, आकस्मिक व्याधि, कहीं से भी एकदम धन खर्च हो जाना, ये थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। बृहस्पति यानी कि जिसकी राशि पर चंद्रमा है वे बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो बाहर की यात्रा करते हुए बड़ा ही ध्यान रख करके आपको अपनी जो महंगी चीज़ें हैं उनका ध्यान रख करके चलना है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का जो दिन है, आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा की जो स्थिति है वह दशम भाव से दशम भाव में विराजमान है। चंद्रमा आपके व्यापार को बढ़ाते हैं यहाँ पर बैठ करके, बृहस्पति भी लाभ स्थान में है, व्यापार में धन वृद्धि के योग बनाते हैं, इनके नक्षत्र में पराक्रम भाव में बैठ करके आपके भाग्य को देख रहे हैं, वहाँ पर शनि विद्यमान है। तो कुल मिलाकर के ऐसे में छोटे व्यक्तियों से, छोटे कदकाठी के व्यक्तियों से और जिन जो कि आपसे नीचे की पोस्ट पर व्यक्ति हैं उनसे भी लाभ के सहयोग या किसी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति आज के दिन आपको दिखाई देती है। बात करें कर्क राशि के लिए तो चंद्रमा आपके छठे भाव पर रिपु ऋण शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और वहाँ जिसकी राशि पर बैठे हुए बृहस्पति वे फिलहाल आपके केंद्र में राहु से पीड़ित हैं और जिसके नक्षत्र पर हैं शुक्र महाराज वे आपके धन भाव में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में आपको आज किसी प्रकार का लोन ऋण रिपो शत्रुओं से बचकर रहना है, रोग और व्याधि को चलिए तो टाइम पर आपको दवाई खानी। आज कार्यक्षेत्र के लिए दिन अच्छा है, भाग्य आप दशम से भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, कार्य के लिए भाग्य का सपोर्ट आपका मिलता हुआ दिखाई देता है। लाभ स्थान से भी जो है, लाभ स्थान से अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति कई चीज़ों में मानसिक तनाव आज के दिन दिखाई दे रही। चतुर्थ स्थान में केतु की स्थिति परिवार में सुख समृद्धि का सूचक है, परिवार के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। बात करें सिंह राशि के लिए, चंद्रमा आपके प्रेम प्यार के घर में संचरण कर रहे हैं जिसके नक्षत्र पर हैं शुक्र महाराज, शुक्र यहाँ पर आपके लग्न भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति भाग्य स्थान में। अब यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा योग बनता है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि एक ग्रह एक त्रिकोण में, जिसके ग्रह में संचरण कर रहे हैं वह दूसरे त्रिकोण में, इसकी राशि पर संचरण कर रहे हैं तीसरे त्रिकोण में, तीनों त्रिकोण का तीन ही ट्राइंगल मुख्य रूप से कुंडली के अंदर उनकी जान होती है, तो यहाँ पर मुख्य योग कारक आपका बन जाता है। आज के दिन आपको शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक विकृति हो सकती है, मानसिक चिंताएं हो सकती है कई चीज़ों को लेकर के, परंतु नुकसान नहीं देता। पंचम भाव पर प्रेम प्यार लाभ स्थान के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा लाभ संकेत का सूचक है, आपके भाग्य स्थान के लिए भी सूचक और आपके शारीरिक गतिविधि के लिए भी सूचक अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी हुई है, पति पत्नी को लेकर के आपका जो है वैवाहिक जीवन कुछ क्लेश हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, परिवार कुटुंब के लिए चतुर्थ का चंद्रमा ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर बृहस्पति भी अष्टम भाव पर हैं और आपके शुक्र महाराज भी द्वादश भाव में, खर्चे के योग दिखाई देते हैं, आकस्मिक नुकसान के आज के दिन योग बने हुए हैं। किसी भी प्रकार का आपको डिसीजन जो है गलत नहीं लेना है, क्योंकि बुध के साथ में शुक्र है, इस समय अवधि में सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, ऐसी स्थिति बन सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक है, कोई बड़ी समस्या आज के दिन नहीं दिखाई दे रही। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा आज पराक्रम स्थान में, मेहनत के घर में चंद्रमा
बृहस्पति उसके मालिक और बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर। किसी की सलाह से, किसी की सपोर्ट से आज कार्य कर लीजिए तो आपको लाभ दुगना मिल सकता है। अपना जरूरी काम आप करें और जो ज़्यादा जरूरी कार्य न हो किसी और को सौंप के आप काम कर सकते हैं, और जो ज़्यादा जरूरी कार्य है वे आप खुद ही करें आज के दिन, तब आपको सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र शुक्र लाभ स्थान में है, मंगल और बुध के साथ में है, एकादश स्थान में अच्छा योग बन रहा है। आज काम से जुड़े हुए कई क्षेत्रों में आपको, एक ही क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में बेनिफिट दिखाई देता है। परिवार इत्यादि गतिविधियों के लिए समय ठीक ठाक रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि 12वें घर से यहाँ पर चंद्रमा की जो स्थिति है आपके चतुर्थ भाव में है, ऐसे में बाहर की यात्राएं भी आपको आज के दिन शुभ और अच्छा योग प्रदान करेंगे। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक के लिए चंद्रमा की स्थिति धन भाव में है, बृहस्पति छठे भाव में है और आपके शुक्र केंद्रगत में, केंद्र भाव में। बृहस्पति छठे भाव में यानी कि धन का मालिक है, छठे में है, तो ये धन वृद्धि का सूचक न होकर के धन व्याधि का सूचक हो जाता है। यानी कि आज के दिन धन को स्टोर करना, बचत करना काफ़ी मशक्कत भरा रह सकता है। इधर से आप पैसा लाएं, इधर ही धन खर्च हो जाए। अब क्योंकि वह लोन ऋण शत्रु चोटफेट रोग इत्यादि चीज़ें दिखा रहा है, यानी कि धन आए और इन्हीं चीज़ों में चला जाए, ऐसा जो आज का योग बनता है। कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है, काम की सपोर्ट लगी रहेगी तो आपके अपने जो पीछे पेंडिंग कार्य हैं वे आप पूरे करते रहेंगे। और भाग्य भाव अष्टम भाव को भी चंद्रमा देख रहे हैं तो मुख्य रूप से गुप्त चीज़ों से भी आपको लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आपकी राशि पर है, बृहस्पति राहु पंचम भाव पर है और शुक्र त्रिकोण में। अब यहाँ धनु राशि के लिए भी आज योगकारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी पंचम में बहुत अच्छा फल करते हैं, लाभ के लिए भी संतान संबंधित भी लाभ देते हैं, इनकम से संबंधित लाभ देते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं। और जिसके नक्षत्र पर शुक्र है, शुक्र मंगल और बुध के साथ आपके भाग्य घर में है, तो शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर आपको भाग्य वृद्धि का योग बनाती है। लक्ष्मी योग यहाँ आपके भाग्य घर में बन रहा है तो यहाँ आपके भाग्य का सपोर्ट धन कमाने के लिए आपको मिल सकता है, और सभी चीज़ों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, मुख्य रूप से आकाश में व्याधि दिखाई देती है और शारीरिक रोग कष्ट एकदम से खर्चा आ जाना। परंतु जिसके राशि पर हैं बृहस्पति और राहु के चतुर्थ भाव में, जिसके नक्षत्र में शुक्र अष्टम भाव में, बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ आपको मिलता हुआ दिखाई दे जाता है। बृहस्पति के सपोर्ट से आप अपने कई कामों में जो टेंशन चल रही है उसको दूर करके अपना काम सफल कर ही लेंगे। राहु चतुर्थ स्थान में है तो पारिवारिक गतिविधियाँ कुछ ठीक नहीं चल रही, ऐसा आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र शुक्र अष्टम भाव में मंगल और बुध के साथ में है तो लक्ष्मी योग जो अष्टम भाव में बन रहा है, अगर चीज़ कोई प्राप्त होगी तो अचानक से ही प्राप्त होगी, और आपके दिन आज के दिन आपको ये थोड़ा रहेगा कि मेहनत आपकी ज़्यादा होगी और आपको आज ज़्यादा मेहनत करनी ही चाहिए। मानसिक तनाव को आपको ये सोच कर चलना चाहिए कि मैं किसी भी तरह की टेंशन आज के दिन नहीं लूँगा। इस प्रकार के आप आज के दिन आपको कार्य करके चलना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा लाभ स्थान पर है, जिसकी राशि पर है बृहस्पति वे आपके मेहनत के घर में है, और जिसके नक्षत्र पर संचरण कर रहे हैं वे आपके केंद्र में है, ये भी आपके लिए बहुत लाभ वृद्धि सूचक है। किसी की सहायता से कार्य करना लाभकारी सिद्ध होगा। लाभ स्थान में मित्रों से भी लाभ दिखाई देता है। अब तीसरे घर में बृहस्पति राहु है, हालांकि आपके अपने छोटे भाई बहनों से भी बना करके रखने, बिगाड़ने की किसी ने, किसी का व्यवहार कैसा भी हो आपको केवल अपने व्यवहार में सौम्यता लानी है। आपके करियर से दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, यहाँ आपका आज का करियर का दिन या कार्य के लिए प्रयास किया हुआ दिन अच्छा रहेगा, उसमें सफलता आपको मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा आपके करियर के घर में बृहस्पति की राशि पर है और जिसके नक्षत्र पर है शुक्र, वह फिलहाल छठे भाव में है। यहाँ चंद्रमा बृहस्पति की राशि पर है और बृहस्पति धन भाव में है। बृहस्पति यहाँ पर आपके कार्य को बढ़ाने का आज के दिन कार्य करते हैं। आज के दिन किसी प्रकार की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कई नेतृत्व की क्षमता आपकी आज के दिन बढ़ सकती है और आज का कार्य आपका डबल भी हो सकता है। हालांकि कार्य से आपको बेनिफिट मिलेगा परंतु मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जब काम व्यक्ति पर ज़्यादा आ जाता है तो उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना उसका मैनेजमेंट बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मंगल शुक्र छठे भाव पर विद्यमान है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र पर हैं, शुक्र छठे भाव में है और वहाँ पर वे बुध शुक्र यानी लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। रुका हुआ धन, किसी को दिया हुई कोई चीज़ आज के दिन वापिस मांगने का दिन है, उसको याद दिलाइए और उससे आज के दिन आपको चीज़ प्राप्त भी हो सकती है। तो यही मित्रों आज के दिन आपके आज के राशि बल में था।
बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताएं, और अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।